यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरी अभी तक हरकतें नहीं जा रही मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फेसबुक पेज देख रहे हैं तो जरूर लाइक करें, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमारे एक पॉडकास्ट भी है और सीनियर एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, आज थोड़ी सी वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे। जी जनाब, तो गाड़ी वॉश कराने हम आए हैं, वसीम साहब मेरे साथ हैं। आज इनसे वर्ल्ड कप के बारे में बहुत अहम हमने मालूमात लेनी है। ऐसे ही है, हैदराबाद में जो इस्तकबाल हुआ है उसमें से एक इनके चाचू भी थे ना। तो गाड़ी तो लवा ली है हमने, अब हम जा रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट कौन है देख लें। हम तो स्टूडियो पहुंच गए हैं और सेटिंग चल रही है। मेरा दोस्त टीपू, आपको पता ही है फौजी, वो बहुत देर बाद आज लाहौर आया और हमने प्लान किया है अपनी बेगमों के साथ सफारी जाने का। हो सकता है कहीं और चले जाए, लेकिन प्लान ये कि पिकनिक का मूड बना तो पिकनिक बनाने चलते हैं। बस वो कुछ देर में आ रहा है तो उसके साथ हम जाएंगे फिर सफारी। भाई आपका हो गया रेडी भजन। भाई टीपू हॉर्न पे हॉर्न दे रहा है लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही। चले कोई नहीं, चलते हैं भाई। ये देख, ये बेगम का काम देखें, मेरे ये बटन कैसे लगाया। अरे कहना क्या चाहते हो? बंदा वायर खड़ा है, एक घंटा लेट है ये, पूरा एक घंटा, पूरा एक घंटा लेट है और ये अपने आप को फौजी कहता है और टाइम पे नहीं है। यार कोई तरीका लगा रहा है यार, बंदे ने आगे भी जाना है, कोई काम करना है आगे जाके। तीन कॉल आ गई, आप फोन उठाने को तैयार नहीं है। बाहर आएगा तो ही मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भैया, अस्सलाम वालेकुम अभी क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जनाब हम निकल गए, कहाँ का प्लान है भजन? सफारी पार्क जा रहे हैं। कहाँ? सफारी 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 पार्क जा रहे हैं। पहले कभी नहीं देखा सफारी? नहीं, बड़ी देर पहले देखा है। अच्छा, शेर देखने जा रहे हैं? शेर देखने जा रहे हैं। चलो जी, स्विट्जरलैंड पहुंच गए ना हम। लेक है ये, स्विस लेक है ये। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वाइट स्काई ब्लू पानी है, दूर से कलर नजर आ रहा है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। जनाब पहुंच गए हम सफारी, आखिरकार सफारी है। एंड से शुरू करते हैं आज। भजन जंगल ले आए हैं आपको, देखते रहे नजारे। ये कुछ ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी ले आए हमें, रास्ता बोल गए हम लोग। ओ भाई जान, ये देखें जी, ये शेर का बच्चा है, लहर हुई जा रहा है। तो कभी ना भी लिया करो, ये मक्खियाँ आ रही हैं मुंह पे। आप रंग बदियाँ लगा रहे हैं, देखें आप, बस करो, बच्चे भी हैं साथ। ऐसे तो ले उठाए, क्या सीन लगा रहा है भाई। ए ए ए क्या 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 ए ए ए ए क्या बात है भाई, ये तो ट्रेंड हो गया। ओए जॉगिंग हो जा रही चंगी भली। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। दोबारा भगा यार। ओ भाई यार, ये टिपू साहब देखें क्या हरकतें कर रहे हैं, सारे शेरों को जो है ना इसने पीछे लगा लिया अपने। ऐ ये दे, ये 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 ओ भाई लेवल है भाई, लेवल है। वाह जी वाह यार, तू इतना बड़ा हो गया, तेरी अभी तक हरकतें नहीं जा रही मोबाइल। बस देख ले यार, वो मेरे से अब इसके रीश, अब रीश आ गया, इसको भी भगा। बल्कि चीता है क्या? ये टाइगर है, टाइगर है भाई, टाइगर आ गया। क्या हाल है? के ना टूर गाइड आया है हमारा, ता 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 जी। बेटा बताओ कि यहाँ पे इनका क्या फ्यूचर है? नहीं यार, ये इनको गलत करके कैरेक्टर के रखा हुआ है, इनको ओड्डे दे रखा है। बोल रहा है यार, कॉन्फिडेंट रहो, कब सीने को निकल रहा है बोल, क्योंकि मैं भाग के आया हूं। की जो चुनौती की चीज है ना, वहां के बड़े डेंजरस होते हैं यार। ये सही बंदा बता रहा है, ये तो कुछ और कह रहे हैं, ये आप कुछ और कह रहे हैं, क्या चक्कर है? वो भी ठीक है, वो सही कह रहा है। असल में ना अंकल ना आ गया, आपको भी आ गया। मैंने लसने होती है ना सीने में, लोग आम देखने वाले यही कहेंगे ये हिरन है, लेकिन उसमें ना काला हिरन, पाड़ा हिरन, चिनकारा हिरन, चीतर हिरन, क्या बात है, ये तो मसालों की किस्म बता दिया। नहीं यार, किसने सफारी का विजिट करना हो और किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनको सारी इन्फॉर्मेशन है। ये 1947 में जितने जानवर आते हैं इनके अप्रूवल के बगैर आ ही नहीं सकता हूँ यार। बच्चे ज़ेबरा क्रॉसिंग आ गया जी, सारा खुल गया हमारा।
पीछे वाले पे पेंट भी किया हुआ। पेंट किया हुआ। पेंट किया हुआ? नहीं, होता खोता होता ये। स्नेक हीटर्स। मैनू सारा पता है, सारा पता है। इन्फो है, इन्फो। अच्छा भाईजान, हमने ये तो घूम फिर लिया है आपके, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। पहले पीछे पीछे उसके बाद ना वो आगे पिंजरे पे चढ़ गई, तो उसके बाद हम लोग तो ऐसे जैसे उसने मतलब बिल्कुल ये जिस तरह समझ रहे हो जी सर। तो पीछे से वो जो शेर था, हमने अब उसको मतलब वो पीछे पीछे करना शुरू किया, तो शेर उधर से वो दहाड़ने लग गया, तो बड़ा सीन क्रिएट हो गया था। बात खत्म हो गई, आगे बोल। हम पहुंच गए सेवर। ओए 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 यार, ये तो मार्केट लग रही बड़ी हैवी किस्म की। भजन लाहौर में सेवर की ब्रांच अगर किसी ने नहीं देखी तो देख ले, क्या कमाल बनाई हुई है पूरी जगह। इन्होंने परचेज की है भाई, बहुत जबरदस्त व्यू है सेवर का, रेवन रोड। जनाब साइकिल आ गई है और इसको ये भी पसंद आ गई है। नहीं अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? चला क्या ना तेरी वीडियो बना रहे हैं, पता आपको सारा। चला क्या ना तेरी वीडियो बना। चलो यार खाना खाना खाएं, आ जाओ। क्या जबरदस्त सनसेट है। सलामकुम सर, वेलकम टू सेवर सर। कहाँ बैठेंगे सर? जी जनाब, तो सेवर आ गए हैं और बड़ा ज़बरदस्त एम्बियंस है इस वाली ब्रांच का। खाना साना ऑर्डर करने लगे। स्टार्टर आ गया जी, आ गया जनाब, ऑर्डर शॉर्डर आ गया। काफ़ी हमने तो पहले खा लिया हुआ जी जनाब। तो हमने खाना साना खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं आज बचपन की याद ताज़ा करने, पहाड़ियाँ शाड़ियाँ देखने के लिए। अच्छा तो भाईजान टीपो वगैरह चले गए थे, उन्हें कहीं जाना था फैमिली के साथ, और अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं पहाड़ी शाड़ी देखने के लिए। चेक करके आते हैं कैसे कैसे मॉडल्स और किस तरह की चीज़ें लोगों ने बनाई हुई हैं। ओ भाईजान बहुत रश है यार, ये तो देखी नहीं जा सकती पहाड़ी शाड़ी आज। ये जनाब हर जगह पे इन्होंने सजाया हुआ जबरदस्त था, देखने गए हैं लेकिन बहुत रश था और ऐसे ही लिफंटर दुनिया आई हुई थी कि हम लोग वहाँ से निकल गए और अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने। दोस्त मार्केट है गुलबर्ग में, और ये है वो बंदा जिसके पास से मैं कोई गुज़िश्ता 9 सालों से सैंडविच खा रहा हूँ। भाईजान महंगे से महंगे मैंने सैंडविच खाए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस जगह सैंडविच मैंने आज तक नहीं खाया। और ये जगह चेक कर लें, कितनी कमर्शियल जगह है, लेकिन इसका टेस्ट क्या बात है, क्या बात है जी जनाब। तो खाना साना खा लिया, आपको पता है कि सैंडविच कितना मज़ेदार था और कितना टेस्टी था, मुझे बड़ा पसंद है यहाँ का सैंडविच। वैसे भी आज 12 रुपये लेवल की मुनासबत से मैंने बाज़ार, जब हम पहाड़ियाँ वगैरह देखने गए और नहीं देख सके रश की वजह से, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा लड़के गाने लगाकर इसी मुनासबत से डांस कर रहे थे, जो कि हमारे दीन ने और हमारे मज़हब ने कहीं पर भी हमें ये सिखाया नहीं है और ना ही हमारे नबी करीम सल्लम की ये सुन्नत है, तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। शायद हमारी तनजली का जो बायस बन रही हो, यही चीज़ें बन रही हो जो शिरक के ज़मरे में आती हैं। खैर, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें और इस व्लॉग को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज अगर आप देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे और आप उसको देखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।